ये भी है, वो है ना सिक्स, भी बहुत अच्छा है। ये जो हेलमेट जो की शोरूम से ही मिला है और बहुत ही प्यारा। अरे मर गया खाटे के अंदर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये मेरी सेकंड वीडियो है मोटो व्लॉगिंग के लिए। और मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ मेरे इस हेलमेट के अंदर। मैं क्या चेंजिंग कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। इस हेलमेट के अंदर मैं थोड़ा चेंज करे वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या चेंज करे इस हेलमेट में। तो मेरे पहले वाले हेलमेट में यहाँ ये लग जाता था कुछ ऐसे में, और मोबाइल रखा जाता था। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से रखा था मेरा मोबाइल। तो उसमें क्या दिक्कत थी, जो ये जो कैमरा एंगल है वो कुछ ऐसे में आता था। तो इस सेट का ज़्यादा कैप्चर करता था, इस सेट का थोड़ा कम करता था। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस वाले को मैं निकाल देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से निकाल देता हूँ, और जो मोबाइल है उसको मैं थोड़ा बीच में लाता हूँ। कुछ इस टाइप से रखूँगा जिससे जो हेलमेट है वो थोड़ा ऐसा हो कि थोड़ा ज़्यादा एंगल मिल जाए इस तरफ का, और इस तरफ का एंगल भी मिल ही रहा है, और इस तरफ का थोड़ा ज़्यादा एंगल मिल जाएगा। ऐसे रखूँगा मोबाइल को। तो इस टाइप से रखूँगा मोबाइल को, और ऐसे मैं इसको अच्छा टाइट कर दूँगा जिससे ये मोबाइल गिरे ना। तो फिर मैं ऐसे टाइट कर देता हूँ अच्छे से। और अब मैंने लगा दिया टाइट से, और एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पहले टेस्ट करना ज़रूरी है। गिर विर तो नहीं रहा करके, इतना ऐसा हेलमेट हिलेगा तो भी नहीं गिर रहा। और एक बार मैं ऐसे उल्टे में हिला के देखता हूँ तो भी नहीं गिरेगा। और एक बार मैं इस टाइप से देखता हूँ, नहीं गिरेगा। अब अच्छे से हो चुका हूँ, इसको मैं अच्छे से सेट कर देता हूँ, और फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा। अब ये है चाबी, ले ली, अब चलते हैं अपन। अपने घर की चप्पल को यहाँ रख देते हैं और चलते हैं अब। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. चलो जूते पहन लिए हैं, अब चलते हैं गाड़ी के पास। चाबी तो लाई नहीं पाया यार मैं, तो नीचे की चाबी ये रही। तो अब खोलते गेट, फिर जिक्सन निकालते हैं। ये रही जिक्सर, मतलब एक्टिवा 125 स्कूटी। इधर खड़ी है, इधर खड़ी है जिक्सर। तो इसको निकालते हैं। अब अपन यहीं पे पार्क, यहीं पे खड़ी कर दिए, और अब गेट लगाते हैं। वैसे कैमरा एंगल तो अच्छे से दिख ही रहा है मेरे को। यहाँ साइड से दो रास्ता थी, तो मैंने इस तरफ लेके गया आज गाड़ी को। तो अभी ये ब्रिज पर जाता है, और अभी हम लोग ब्रिज के पास, ब्रिज से ही चल रहे हैं। अब यहाँ से सीधे जाएंगे तो पड़ेगा बालाजी पूरा, और उसके आगे जाएंगे तो पड़ जाएंगे नागपुर। तो बहुत आगे, तो इधर से नागपुर ही रास्ता है। और यहाँ से अगर अपन अंदर ले, यहाँ से बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं, तो जाएंगे इंदौर। यहाँ से इंदौर 277 किलोमीटर है, और इधर साइड नागपुर 180 समथिंग किलोमीटर है। अपन चल रहे इधर, यहाँ पर लिमिट दी है 30 की, लेकिन अगर हम 30 के ऊपर चले जाए तो क्या हो जाएगा। इंडिया में तो कुछ हो नहीं पाएगा। देखो अभी मैं चाह रहा हूँ 30 के ऊपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्हें पता था इंडियन लोग ऐसे रहते हैं, तो उन्हें फिर डाले ब्रेकर, ये लो ब्रेकर डाल दिया। अब हुआ बताओ 30 के ऊपर जाने से डच का लगेंगे खचने से, इसलिए इन्होंने ब्रेकर डाला। रास्ता कोई रिक्सी है, अगर इन्होंने कोई रात में आ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर कोई तेज स्पीड में आए ना तो गिरने का डर रहता नदी के अंदर। ये यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर पहले ब्रिज बना था वो टूट चुका है। तो अभी ये ऑर्डनरी था, इस साइड का ब्रिज सीधे है। यहाँ पर अगर ज़्यादा ट्रैफिक होता तो बनाने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर ब्रिज को अच्छे से। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा हेलमेट है वो थोड़ा सा अलग हो चुका है, मतलब ऐसा अच्छे से फिट नहीं बैठा हेलमेट यार।
हेलमेट थोड़ा ढीले है, लेना नहीं, हेलमेट को अच्छे से पहनता हूँ। आपको अब थोड़ा मैंने अच्छे से पहना है। आपको एक चीज बताऊँ, जिक्सर के अंदर एक दिक्कत है, आगे जो मिरर्स है ना ये पूरा खुल जाता है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत लगती है इसके अंदर। और ये क्या बहुत ज्यादा वाइड है यार, बहुत ज्यादा वाइड है यार, इसलिए हमने ऐसा रखा है। ये लोग वैसा अच्छा लगता है, बहुत सारे जो जिक्सर मैंने देखे बैतूल में भी वो भी इस टाइप से मिरर्स को रखते है, आईने को रखते है, यही सही अच्छा लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हूँ मैं, और ये देख सकते हो आप जिक्सर ब्लू कलर में अच्छी लगती है यार, ब्लू कलर इसका आवाज इस टाइप से है। इसे मैं कर देता हूँ बंद, और हेलमेट को थोड़ा अच्छे से लगाता हूँ यार। तो किसी किसी के बाल बड़े रहते ना, तो जब वो हेलमेट लगाते हैं तो उनके बहुत सारे बाल अलग ही हो जाते हैं, मेरे भी ऐसे ही होते हैं। बड़े अच्छे से पहनना पड़ता है, पहले बाल को ऐसा करना पड़ता है, फिर हेलमेट को लगाना पड़ता है, और जो मेरा हेलमेट है वो अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाता। लेकिन यार तो ये है जिक्सर, इस जिक्सर के अंदर हमने यहाँ स्टिकर लगाया था, ये स्टिकर लगाया था इसके अंदर, और ये क्या थी, BS4 थी। तो BS4 के अंदर क्या हमेशा लाइट ऑन रहती थी, ये वाली जो लाइट ऑन रहती थी, तो इस लाइट के अंदर हमने क्या करा, थोड़ा छेड़छाड़ करके हमने यहाँ पर एक बटन लगा दिया, और ये बटन से क्या ये लाइट चालू हो जाती है, लाइट चालू हो चुकी है देख सकते हो यहाँ पर। तो अब हमने इस थोड़ा बटन बना के BS3 बना दिया है, लेकिन बट इंजन जो है BS4 है, मतलब BS4 ही है, लेकिन हमने यहाँ पर बटन लगा दिया जिससे लाइट बंद चालू कर सके। और जो नीचे वाली लाइट है ये हमेशा ऑन रहती है, ये वाली लाइट हमेशा ऑन रहती है। और हमने ये भी लगाया था, ये इसलिए लगा थोड़ा स्पोर्टी टाइप का दिखा, इसलिए ये जो बटन दिख रही है ये बटन 4 इंडिकेटर के लिए, जैसे कि मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको मैंने चालू करा, और आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों इंडिकेटर चल रहे, देख सकते हो। मैं आपको एक बार पीछे से दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पर हूँ, ये दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मोड है, 20 से भी मोड है अलग अलग। हाँ तो अब मैंने थोड़ा दूसरा मोड लगाया, तो आप दूसरे मोड में देख सकते हो अलग लाइट जलती है। कभी मैं रात को आऊँ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा किस टाइप से लाइट जलती है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ, रुको मैं आपको यहाँ से वापस मुड़ना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ से मैं चला वापस, तो मेरे को आपको जो चीज़ बताना था वो चीज़ ऐसी थी कि यहाँ की जो रोड है बड़ी मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी बैतूल की, यहाँ की बहुत अच्छी रोड लगती है, मतलब ऐसे रोड तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जैसे कि यार हमें यहाँ से कोई आ रहा है, तो यहाँ से आप वापस जाएंगे अंदर, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ना रिन जो झुकाने की जो गाड़ी है वही मस्त लगती है, मैं देखता हूँ झुका के। तो अब मैं आ चुका हूँ नीचे, अब नीचे आने के बाद अभी यहीं से वापस जा रहा हूँ ऊपर। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं और अब वापिस चलते हैं नीचे वैसे ही रास्ते से जैसे हम आए थे, यहाँ से वापिस नीचे जाएंगे। जैसे एक और वार्निंग दिला रही है, यहाँ पर 40 की स्पीड की लिमिट है। यहाँ पर एक बार चलता हूँ मैं वापिस, ये BS वो है ना 6, हाँ तो ये BS6 है गाइस, और ये है BS4। तो आप देख सकते हो ये है BS6 जिक्सर और ये है BS4 जिक्सर। इसकी लुकिंग थोड़ी चेंज हुई है यहाँ से और यहाँ से, आपका हेलमेट बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लिया? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा शोरूम से दिया ना हमें यार, हमें गूगल दिया था चश्मा। और आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर ABS दिया जाता है, और इसके अंदर यार ABS नहीं दिया जाता, ये सबसे खराब लगता है। और कुछ नहीं, इसके अंदर कीक है, उसके अंदर कीक नहीं है, उसके अंदर FI सिस्टम है, तो उसके अंदर कीक नहीं है, आप देख सकते हो बहुत ही मस्त। क्या आप वाली चला सकते हो? मैं वाली चला सकता हूँ एक बार, बिल्कुल आप वाली आ जाओ। तो आप थोड़ा ड्राइव करके देखेंगे, सेम गियर सेम चीज, बस हैंडल अलग है। हाँ डबल डिस्क दोनों, सिंगल डिस्क नहीं, उसमें भी डबल है ना, पीछे देखो। तो इसकी आवाज चेंज है यार, आवाज चेंज है इसके अंदर। तो ये फर्स्ट गेम अपन ले चुके हैं, और इसके अंदर थोड़ा स्पोर्टी लगता है, उसके अंदर अलग लग रहा है चलाने में, इसके अंदर थोड़ा अलग है यार।
थोड़ा इसको मैं लीन कर सकता हूँ, थोड़ा सा झुका सकता हूँ, जिससे अभी आ रहा था उस टाइप से कर सकता हूँ। ब्रेक बहुत अच्छे यार, ब्रेक बहुत ही प्यारे यार। अगर भैया मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो ब्रेक यार इसके ज्यादा प्यारे यार, इसके ब्रेक बड़े प्यारे यार। उसके ब्रेक थोड़े से अलग लग रहे होंगे आगे के, इसके ब्रेक थोड़े अच्छे है। अभी तो इसके पास सर्विसिंग भी नहीं हो पाई। अच्छा अभी अभी चली बहुत कम होगी ना, अभी 514 किलोमीटर मतलब अभी भी लिए। कितने की पड़ी आपको ये? 7 तारीख को लिया मैंने। अच्छा 7 तारीख को लिए। ये वीडियो मैं डालूंगा 18 तारीख को, आपको मैं चैनल का नाम बता दूंगा, आप सब्सक्राइब भी कर लेना यार। अरे मस्त है यार, और बहुत ही प्यारी लग रही है। भाई के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अरे थैंक यू यार भैया। थैंक यू। चलो वहीं पे चलते हैं, आपके भाई भी है ना साथ में, वहीं पे चलते हैं और बात करते हैं ना। और ये जो जिक्सर है ना बढ़िया यार, मतलब अच्छी लग रही है, ऐसा स्पोर्टी टाइप का लुक आ रहा है प्यारा यार। और अच्छी स्पोर्टी टाइप से बैठ गया हूँ मैं, बहुत ही मस्त यार, अच्छी लग रही है यार, एकदम प्यारी प्यारी। अभी इन्हें जस्ट खरीदी है, 514 किलोमीटर ही चली है। कितने की पड़ी थी आपको? हाँ? ये कितने की पड़ी आपको? ये 158,000। 158,000 मस्त है यार। आप यहीं पे बैतूल में रहते हैं? हम बैतूल में ही रहते हैं। मैंने भी देखा जिक्सर आपकी, तो मैंने बोला चलो अच्छा लगता है। तो ये मेरा चैनल अभी भी जस्ट ही खुला यार, ज्यादा वीडियो डाली नहीं है, समथिंग 2-3 महीने हुए। याली वीडियो आएंगी, अभी तो नहीं आ पाएंगी, और ये वीडियो बहुत देर के बाद आएंगी। आप यहीं पे रहते हो कि मेनली बाहर रहते हो? यहाँ पर भी वैसे घर है वैसे। हाँ मगर प्रॉपर रहना हमारा भीमपुर का है वैसे। अच्छा भीमपुर का, यहाँ पर हम हमलापुर में रहते। अच्छा हाँ समझ गया। सर के अंदर याला जो हेलमेट है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके अंदर जो फिटिंग है बड़ी प्यारी है और हेलमेट भी बहुत अच्छा है। ये जो हेलमेट भैया को मिला है ये जिक्सर के ही शोरूम से मिला है, यानी सुजुकी शोरूम से ही मिला है, और बहुत ही प्यारा तो हेलमेट है, और ये बहुत ही प्यारा तो लुकिंग बहुत प्यारी है जैसे जिक्सर के साथ भी। आपको एक और चीज़ बताना था, इस जिक्सर के अंदर जो सीट है वो इस टाइप से मिलती है, और वाली जिक्सर के अंदर आपको बता रहा हूँ मैं कि किस टाइप से सीट मिलती है, आप देख सकते हो। याली जिक्सर के अंदर सीट अलग अलग मिलती है, जिससे जो पीछे वाला है, और ये सीट यार स्मूथ लग रही है वैसे यार उस जिक्सर से, और इसका ये थोड़ा छोटा है, उसका थोड़ा बड़ा आता है। और वैसे याली जिक्सर ही बड़ी मस्त है, लुकिंग बहुत अच्छी है। भैया ने बोला कि वाली जिक्सर बेच के याली जिक्सर खरीद लेके आ, और बहुत ही प्यार लगती है याली जिक्सर भी। और यहाँ पर जिक्सर लिखा आता है, और जो BS4 है उसके अंदर सुजुकी लिखा आता है, वो देख सकते हो। इसके अंदर सुजुकी लिखा आता है, उसके अंदर जिक्सर लिखा आता है, बस इतना ही अंतर है। और बहुत दोनों प्यारी, बहुत अच्छी प्यारी दोनों ही गाड़ी है, बहुत प्यारी है, और वो थोड़ा स्पोर्टी टाइप में जाती है, बहुत मस्त लगी वो भी। उनकी रास्ता जा चुके हैं और अपन अब चलते हैं, तो अपन भी अब चलते हैं। और वाली जो जिक्सर थी वो थोड़ी सी स्पोर्टी थी यार, वो मस्त लगा, और उसकी सीट भी थोड़ी सी स्मूथ थी। तो मैं जो आपको बता रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। इस रास्ते से अपन अब आ चुके हैं, और अब बाकी चल रहे हैं सीधे, और वो जिक्सर के साथ मैं थोड़ी सी फोटो भी खींची, मस्त थी वो भी यार। और उन्हें अभी भी ही ली थी, ज़्यादा चली भी नहीं थी, 514 किलोमीटर ही चली थी। और अब यहाँ से वापिस ऊपर जाने के रास्ते, यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं इंदौर, और यहाँ से वापिस जा रहे ऊपर। यहाँ पर अपन वापिस आ चुके हैं, अब यहाँ से वापिस आगे चल रहा हूँ मैं, और अब मैं वही रास्ते पे आ चुका हूँ जिस रास्ते से हमने वापिस शुरू करा था, इसी रास्ते से मैं गया था आगे, और आगे से वापिस है मोर, और इस बार मैं घर ही जाऊंगा। आगे साइड भी जाते, आगे साइड भी कभी और किसी दिन चलेंगे, अभी तो अपन यहाँ से वापिस अंदर घर तरफ चलते हैं। अरे मैं कांटे में फंस गया, अभी मैं जो कांटे में घुस गया था वो क्यों घुस गया था बताओ? क्योंकि मैं ना हेलमेट के अंदर देख रहा था रिकॉर्डिंग चालू है कि बंद है, और उसमें मेरा दिमाग जो ध्यान था वो पूरा मोबाइल में गया, और मैं जाके बस गया। ऐसा नहीं है कि कांटे में जाके लेट गया गिर गया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बट जाते जाते बच गया। अब ध्यान रखना पड़ेगा अरे तो यार। अब यहाँ से चल रहे वापिस अपन ऊपर, गियर कर लेते हैं कम, घर तो घर पे आ चुका हूं मैं अब। और हेलमेट लगाने के बाद जो बाल का हाल होता ना, बड़ा भयंकर ही हाल हो जाता है बाल का,
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हमने BS6 जो जिक्सर थी उसे हमने चलाई, बहुत मस्त लगी, वो भी बहुत मस्त भाई, कि उसका साइलेंसर की आवाज थोड़ी अलग आती है, बहुत मस्त लगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय। गाना बजाओ।